मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे इज़ आवर ईवीएस क्लास। आज हमारी ईवीएस की क्लास है और हम कर रहे थे हमारा लेसन नंबर 10 ट्रांसपोर्ट। ओके, आज हम करेंगे इसका बुक वर्क। हाउ मेनी ट्रांसपोर्ट वी रीड इन द लेसन, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो पहले हम आज करेंगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, पीपल गो बाय डैश और डैश When they travel to another town or city, जब लोगों को पास में ही किसी टाउन में, नगर में या शहर में जाना होता है तो वो कैसे जाते हैं, by bus और train। किसका यूज़ करते हैं वो, बस और ट्रेन का। ठीक है, people travel by sea। अब sea में कैसे travel करेंगे, sea तो समुंदर होता है, पानी है वहाँ, तो सब वहाँ पर कौन जाएगा, ship। क्या जाएगा, ship। okay, ऑन अ रिवर। अब रिवर कैसी है बेटा, रिवर तो एक छोटा होता है ना, जिसमें सी बहुत बड़ा वाटर सोर्स है, बहुत सारा पानी होता है, लेकिन रिवर में उससे कम होता है। तो वहाँ रिवर में जो चीज़ चलती है वो क्या है, बोट। क्या चलता है, बोट। व्हेन वी वांट टू रीच अ डिस्टेंस प्लेस क्विकली, अब देखो जब हमें जल्दी जल्दी पहुँचना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तब हम क्या, कौन सा ट्रैवल, किस का यूज़ करते हैं, एरोप्लेन का। ठीक है, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। ओके, अब यहाँ पर देखो मुझे कुछ नाम दिए हैं ट्रांसपोर्ट्स के, कार, बाईसाइकिल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, स्कूटर, शिप। ठीक है, उसके बाद है हमारा ऑटो रिक्शा, बस, बोट। और यहाँ पर मुझे इनको सेपरेट करके लिखना है, वो ट्रांसपोर्ट जो मूव करते हैं लैंड पर उनको इसमें लिखना है, सेल ऑन वाटर जो वाटर पर चलते हैं वो यहाँ, जो फ्लाई इन एयर जो हवा में उड़ते हैं उनको इस कॉलम में लिखना है। ओके, तो अब मैंने यहाँ से देखा इनमें से कि मेरे कौन कौन से लैंड पर चलते हैं। ठीक है, जैसे कार, बाईसाइकिल, स्कूटर और ऑटो रिक्शा, है ना। तो बस, कार, बाईसाइकिल और स्कूटर, ठीक है, तो ये सब मेरे कहाँ पर चलते हैं, और एक ये ऑटो रिक्शा। ठीक है, ये सभी मेरे क्या हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, देन सेल ऑन वाटर, ये बस यहाँ थी। ठीक है, वाटर में इनमें से कौन कौन चलते हैं, एक बोट है और एक शिप। ठीक है बेटा जी, उसके बाद एयर में, एयर में क्या है, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो मैंने वो यहाँ पर मेंशन कर दिए। नेक्स्ट वन इज़ आपको ओड वन आउट निकालने, जैसे कार, बोट, ट्रेन और ट्रैक्टर। देखो, कार है, ट्रेन है और ट्रैक्टर है, ये तीनों चीज़ें कहाँ पर चलती है, लैंड पर, लेकिन बोट चलती है वाटर में, इसलिए बोट जो है वो मेरा ऑड वन आउट है। देन साइकिल, स्कूटर, बस और मोटरसाइकिल, ये तो सभी के सभी लैंड ट्रांसपोर्ट है। फिर मैंने बस को क्रॉस क्यों किया, क्योंकि साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल में टू सीटर्स है। ठीक है, टू व्हीलर्स, टू व्हीलर है ये, लेकिन बस जो है वो मेरा फोर व्हीलर है, इसमें चार पहिए होते हैं। ठीक है, देन बुलक कार्ट, कैमल कार्ट, टोंगा एंड ट्रक, ये तो मुझे पता है ट्रक को ही जाना चाहिए, क्योंकि ट्रक को तो कोई एनिमल यूज़ नहीं करता, है ना, लेकिन टोंगा में घोड़ा लगा होता है, कैमल कार्ट में कैमल और बुलक कार्ट में काउ, है ना, तो इनमें तो एनिमल यूज़ होता है लेकिन ट्रक में एनिमल नहीं यूज़ होता, इसलिए ट्रक ऑड वन आउट है। देन कार, बस, ट्रेन और शिप, कार, बस और ट्रेन हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट है, जबकि शिप हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसलिए शिप जो है वो मेरा ऑड वन आउट हुआ। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ये बुक वर्क अपनी बुक में फिल करना है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।